अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर अपने शॉर्ट BTC अपडेट को लेके इल्मे आके चैनल पे हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर एक तो हम लोग BTC का एनालिसिस करेंगे, दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैसा रन दिखा सकती है हम लोगों को इस वीकेंड तक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अभी है तकरीबन 7 मई 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली BTC ट्रेड हो रहा है 35,900 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ BTC का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 40,000 डॉलर्स का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा BTC के लिए, और 40,000 डॉलर से हम लोग थोड़ा बहुत बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे BTC को नीचे की तरफ। तो पहले तो वैसे भी बात 40,000 डॉलर से BTC ने थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया नीचे की तरफ, फिर एकदम मार्केट मैनिपुलेशन हुई और तमाम ही क्रिप्टो करेंसीज ने काफ़ी एग्रेसिव रन दिखाया, और BTC ने अपना जो सा सपोर्ट लेवल था 36,000 डॉलर का लेवल उसको भी तोड़ दिया है। और करंटली अगर आप लोग देखें तो 36,000 डॉलर्स के लेवल को BTC एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन लेवल अगर BTC का बताता चलूँ तो BTC का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 35,200 डॉलर्स के ऊपर, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 36,000 डॉलर्स के ऊपर, 36,000 डॉलर से ऊपर चले जाती है BTC की वैल्यू तो फिर 36,500 डॉलर का लेवल, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि 36,500 डॉलर का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अब 36,500 डॉलर का लेवल BTC के लिए ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और फिर BTC का जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन 37,000 डॉलर के ऊपर। और अगर BTC 35,200 डॉलर के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे चली जाती है, तो फिर 34,800 डॉलर का लेवल जो कि प्रीवियसली काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम करता रहा है BTC के लिए, 34,800 डॉलर का लेवल BTC के लिए ऐसा सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और फिर BTC का सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन 34,000 डॉलर के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल्स फॉर BTC इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है BTC के अंदर और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एक्सिट कर लेना है BTC के ऊपर से। तो अब नेक्स्ट मूव के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वीकेंड तक हम लोग क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं BTC के ऊपर से, तो वो मूव एकदम ही काफ़ी अच्छा पम्प बैक करता हुआ देख सकते हैं BTC को, या एकदम ही हम लोग काफ़ी अग्रेसिव रेड रन दिखाता हुआ भी देख सकते हैं तमाम क्रिप्टो करेंसीज को। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर देखें तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एकदम ही काफ़ी अच्छा ग्रीन रन आया BTC के ऊपर, और फिर इसके बाद एकदम ही काफ़ी अच्छा रेड रन आया ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी। तो इसी तरह का रन अभी भी हम लोग दिखाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम ही क्रिप्टो करेंसीज को इस वीकेंड तक, और नेक्स्ट वीक को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को स्टेबल होता हुआ। तो इस वीकेंड तक आप लोगों को ट्रेडिंग एज सच रिकमेंड नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस करके कर सकते हैं ट्रेडिंग लास्ट में तौर पे, लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि इस वीकेंड तक आप लोग लेवल बाय लेवल इन्वेस्टमेंट करें तमाम ही क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। अब लेवल बाय लेवल इन्वेस्टमेंट से मेरी क्या मुराद है, उससे मुराद मेरी ये है कि अगर आप लोगों ने लेट से आप लोगों के पास 100 डॉलर है और आप लोगों ने किसी भी एक स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी लेट से बिटकॉइन या इथेरियम या सोलाना के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप लोग 100 डॉलर का 100 डॉलर एक ही लेवल के ऊपर सारा इन्वेस्ट ना करें। जब भी ये तमाम क्रिप्टो करेंसीज या जिस भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी वैल्यू किसी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर आती है, तो आप लोग कुछ परसेंटेज उनसे अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। लेट से अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और आप लोगों ने 100 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप लोगों को रिकमेंडेड ये है कि 30 डॉलर की इन्वेस्टमेंट आप लोग कर लें यहाँ पर तकरीबन 3,600 डॉलर के ऊपर, इसकी वैल्यू नीचे आती है तो तकरीबन 35,200 डॉलर के ऊपर आप लोग 30 डॉलर की दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर लें, इसकी वैल्यू नीचे आती है तो तकरीबन 34,500 डॉलर के ऊपर आप लोग 30 डॉलर की दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर लें। इस तरह से लेवल बाय लेवल आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वीकेंड तक, ज़्यादातर रिकमेंडेड आप लोगों को ये है, और इस तरह से आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर लेंगे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो ये तो हो गया सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर लेवल बाय लेवल एंट्रीज। अब अगर आप लोगों को इथेरियम के बारे में बताता चलूँ लेवल बाय लेवल एंट्रीज, तो आप लोगों के इथेरियम के ऊपर जो एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो तकरीबन 2,670 डॉलर के ऊपर, फिर उसके बाद तकरीबन 2,600 डॉलर के ऊपर, और फिर उसके बाद तकरीबन 2,530 डॉलर के ऊपर। इस तरह से आप लोग इथेरियम के ऊपर लेवल बाय लेवल अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सोलाना के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट जो आप लोगों के बन रहे हैं वो तकरीबन 84 डॉलर के ऊपर, फिर उसके बाद 80 डॉलर के ऊपर, फिर उसके बाद तकरीबन 76 डॉलर के ऊपर, और फिर उसके बाद तकरीबन 72 डॉलर के ऊपर। ये है लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट फॉर सोलाना। और अब अगर लास्ट में आप लोगों को बाइनेंस के बारे में बताता चलूँ तो बाइनेंस के ऊपर जो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 384 डॉलर के ऊपर, फिर उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 380 डॉलर के ऊपर,
और फिर उसके बाद तकरीबन 360 डॉलर्स के ऊपर। ये होंगे मेरे लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स ऑफ बाइनेंस, सोलाना, इथेरियम एंड बिटकॉइन। और इस तरह से आप लोग फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। इसके अलावा यहाँ पे मैं मेन जो पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो पॉइंट आउट करना चाहूँगा ट्रॉन को, कि जिसके बाद अगर आप लोग देखें तो ट्रॉन ने आज के दिन में फिर से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है, और ट्रॉन ने तकरीबन यहाँ पे 17% तक का एक पम्प दिखाया है। और वो क्यों दिखाया है, वो फंडामेंटली सर मुकद्दर से भी आपको गाइड किया था कि ट्रॉन का जो स्टेबल कोइन है वो लॉन्च होने वाला है, तो USDT जो स्टेबल कोइन है ट्रॉन का वो आज लॉन्च हो चुका है, और इसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पम्प दिखाता हुआ दिखाया है यहाँ पे ट्रॉन को। और ट्रॉन के बारे में प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये तकरीबन 0.062 डॉलर्स का जो सा अपना सपोर्ट है वाला अगर इसको होल्ड करके रखता है, तो फिर हम लोग काफ़ी अच्छा पम्प दिखाता हुआ देख सकते हैं ट्रॉन को, और फिर ट्रॉन की वैल्यू डेफिनेटली तौर पर बढ़ जाएगी चंद ही दिनों के अंदर 10% तक का प्रॉफिट। उसके बाद अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो आप लोगों ने तकरीबन 42% तक का प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा ट्रॉन के ऊपर से। तो यहाँ पे ट्रॉन का मेन जो कंसोलिडेशन लेवल है वो मैं पॉइंट आउट लाजमी तौर पर करना चाहूँगा। तो मेन जो कंसोलिडेशन लेवल है ना यहाँ पे ट्रॉन का, वो है तकरीबन 0.073 डॉलर से लेकर तकरीबन 0.087 डॉलर तक का लेवल। इसी लेवल के दरमियान में ट्रॉन को हम लोग ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो अगर तो आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं ट्रॉन के ऊपर, तो उसके एंट्री पॉइंट्स मैं आप लोगों को लाजमी तौर पर बता देता हूँ। तो आप लोग के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो तकरीबन 0.082 डॉलर के ऊपर, फिर उसके बाद आप लोग के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो तकरीबन 0.079, फिर उसके बाद 0.075 और फिर 0.073 डॉलर्स के ऊपर। इन लेवल्स में से किसी भी लेवल के ऊपर अगर आप लोग एंट्री ले लेते हैं तो आप लोग फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे ट्रॉन के ऊपर से। और इसके अलावा ट्रॉन के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस भी अगर आप लोग कौन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि ट्रॉन इज़ वन ऑफ दोज वेरी वेरी फ्यू कॉइन्स जो कि तमाम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, और तमाम मूविंग एवरेज उसके अपने लेवल्स के ऊपर है। मतलब कि सबसे ऊपर है 21 मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 मूविंग एवरेज, उसके नीचे 100 और लास्ट में 200 मूविंग एवरेज, और तमाम मूविंग एवरेज के दरम्यान में काफ़ी ज़्यादा फासला भी है। ओके, ये काफ़ी अच्छा साइन है हम लोगों को ट्रॉन की तरफ से, और यकीन ये इसी बात को जाहिर कर रहा है कि ट्रोन को हम लोग अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर 0.09 डॉलर्स के लेवल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अगर उस लेवल तक भी ट्रोन को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं, तब आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे ट्रोन के ऊपर से। तो अभी तक के लिए यही शॉर्ट अपडेट है ऑन ट्रोन एंड बिटकॉइन। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।